ये है एक क्रोकोडाइल सेंचुरी। 100 से ज्यादा मगरमच्छ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। हमारी इतनी इतनी बोटी भी हो जाए ना तब भी इनको पूरी नहीं होगी, यहाँ पे इतने सारे हैं। डायनासोर से तो हम आपको नहीं मिलवा सकते, लेकिन डायनासोर के करीबी रिलेटिव से, आज के ज़माने के डायनासोर से हम आपको ज़रूर मिलवाने लगे। कराची के एक ऐसे एरिया के अंदर मौजूद है, ये है एक क्रोकोडाइल सेंचुरी, जहाँ पे हो गई है क्रोकोडाइल की सेंचुरी, यानी 100 से ज़्यादा मगरमच्छ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और हम उन 100 मगरमच्छों के बीच में खड़े हैं। मेरे बिल्कुल पीछे बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स हैं जिनका साइज़ 10 से 12 फुट भी है। इतने सारे मगरमच्छ हैं यहाँ पे, आप यकीन करें कि अगर अल्लाह ना करे हमारी इतनी इतनी बोटी भी हो जाए ना तब भी इनको पूरी नहीं होगी, यहाँ पे इतने सारे हैं, मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ। वो देखें वहाँ पर, वहाँ पर, वहाँ पर, ये पूरा, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, हम जब से आए हैं ना ये आहिस्ता 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 करके हमें घेर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 3 तरफ से इन्होंने हमें घेर लिया है। एक साइड पर ही हमारे भाई जो हैं ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े डंडे लेकर आ गए, और बिल्कुल ही हमारे लिए वार्निंग है कि मतलब अब ये हमें अलाउ नहीं करेंगे ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके जितना करीब जाके जितनी शॉट्स आपके लिए बना सकें। एक और चीज़ है यहाँ पे, बिल्कुल सामने की तरफ इनका नेस्टिंग एरिया है जहाँ पर ये जाके अंडे देते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर ये ब्रीड कर रहे हैं। ये जितने भी आप दीवारों के अंदर जो होल्स देख रहे हैं ये बेसिकली क्रोकोडाइल के नेस्ट होते हैं। इसके अंदर क्रोकोडाइल की फीमेल जाती है और अंडे देती है। अब ये बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि आम तौर पे नदियों और झीलों वगैरह में जिस जगहों पे ये अंडे देती हैं तो वहाँ पे हमेशा खतरा रहता है, जो नर मगरमच्छ होते हैं वो इनके अंडों को भी नुकसान पहुँचाते हैं, इनके बच्चों को भी नुकसान पहुँचाते हैं, और साथ में जो दूसरे शिकारी जानवर होते हैं, दूसरे परिंदे वगैरह, वो इनके बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये है तो एक ख़तरनाक जानवर, लेकिन अपने बच्चों के मामले में जो माँ है वो माँ ही होती है, चाहे वो मगरमच्छ की क्यों ना हो, तो ये अपने बच्चों की हिफाजत करती है। और जैसे कि इसके अंदर अगर अंडे होंगे तो ये सारी जो मादा मगरमच्छ हैं ये बाहर जमा होकर उनके ऊपर नज़र रखती है अपने अंडों को। फिर जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो आप यकीन करें ये जो जबड़े हैं जो 1000 पाउंड के वज़न से अपने शिकार को पकड़ते हैं वही अपने बच्चे को सिक्योरिटी देते हैं। ये मादा अपने उन बच्चों को अपने उन जबड़ों से पकड़ कर बहुत ही नाजुक तरीके से पानी तक लेके जाती है और पानी के अंदर जाके छोड़ती है, और जब तक बच्चे कुछ हफ्तों के नहीं हो जाते हैं वो अपनी माँ के आसपास ही रहते हैं और छोटी मछलियों वगैरह का शिकार करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनकी डाइट बढ़ती जाती है। एक और खूबी ऐसी है इनके अंदर जो बहुत ही कम जानवरों के अंदर पाई जाती है, ये जो बड़े क्रोकोडाइल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 7 से 8 महीने तक भी बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। उसकी वजह ये है, ये एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इनकी जो दुम होती है जब ये खाना खाते हैं उसका जो एक्स्ट्रा फैट होता है इनकी उस दुम के अंदर स्टोर हो जाता है, और ये उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब इन्हें खाना कम मिलता है या फिर नहीं मिलता, और इसी चीज़ के सहारे ये ज़िंदा रहते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं ताकि इनकी एनर्जी कम से कम वेस्ट हो। आपने अक्सर देखा होगा कि मगरमच्छ जो है वो किनारे के अंदर अपना मुँह खोल कर बैठे रहते हैं, जैसे कि वो वाला क्रोकोडाइल इस वक्त कर रहा है। अब ये देखें, बिल्कुल ये मैं आपको वही वही बात बताई ना कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमें घेर रहे हैं, और जब हम आए थे यहाँ पे सिर्फ 2 क्रोकोडाइल यहाँ बाहर थे, और अब यहाँ पे आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, पता नहीं और कितने, ये तो सिर्फ यहीं पर ही नज़र आ रहे हैं, पूरे हमारे इर्द गिर्द आ चुके हैं। सिर्फ एक तरफ है हमारे पास जाने का रास्ता, 3 तरफ क्रोकोडाइल आ चुके हैं। दोबारा वही बात बात आऊँ, जो वो उस वक्त आप क्रोकोडाइल देख रहे हैं उसने अपना जबड़ा खोला हुआ है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनका जो खून है वो ठंडा होता है, और इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, क्योंकि रात को बारिश हुई थी तो यकीनन इस वक्त ये इन्वायरमेंट जो है इनके लिए थोड़ा सा कूल हो रहा होगा, तो ये सनलाइट के अंदर आके सन बाथ लेते हैं और अपना मुंह खोलते हैं ताकि जो जिस्म की गर्मी है उसको मेंटेन कर सकें। तो ये इनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और ट्रस्ट मी ये इतना ख़तरनाक जानवर है मैं आपको नहीं बता सकता, इससे शेर भी पंगा नहीं लेता। अब आप सोच लें ये क्या चीज़ होगी। ये यहाँ
यहाँ पे हमारे जो इर्द गिर्द जो इस वक्त क्रोकोडाइल्स मौजूद हैं। ओह माय गॉड, अच्छा जो पीछे जो इनका जो नेस्टिंग एरिया है इसके अंदर रिसेंटली इन्होंने अंडे दिए हैं और उसमें से बच्चे भी सक्सेसफुली हैच हुए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक कामयाब सेंचुरी है कराची की जिसके अंदर क्रोकोडाइल की ये ब्रीड करा रहे हैं। तो अभी हम इनके नेस्टिंग एरिया में भी जाएंगे और इनके बेबीज भी आपको दिखाएंगे जो यहाँ पर बॉर्न हुए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इतना आसान काम नहीं है, तो जो बेबीज़ की जो मदर है वो बाहर ही बैठी हुई है और हमें अंदर दाखिल होने वो नहीं देगी। तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस एरिया तक पहुँच जाएँ या फिर इनके जो जू कीपर्स हैं हमें उन बेबीज़ तक ले जाएँ। बड़ी कोशिशें कर ली हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था उस होल्स के अंदर उन्होंने बच्चे और अंडे दिए हुए हैं। अब वो मादा जो है वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है, काफ़ी हमने जोर लगा दिया, लेकिन इनके पास एक बेबीज़ हैचरी सेशन है जहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी अफजाइश के लिए उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हम अभी उस एरिया के अंदर चलते हैं और वहाँ पर जाके बच्चे देखते हैं। अच्छा ये एक छोटा सा हैचरी सेशन है इनका जिसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं कुछ दिनों के या कुछ हफ़्तों के उनको यहाँ पे ला के रख दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नर मगरमच्छ होते हैं जो मेल क्रोकोडाइल्स होते हैं वो छोटे बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और जो शिकारी परिंदे होते हैं वो भी इन बच्चों को उठा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक सेफ़ जगह बनाई गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जब ये छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे होते हैं तो ये कैसे होते हैं और कितने प्यारे होते हैं। से कुछ दिनों का ये बच्चा है और ये हार्डली अभी महीने भर का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो उम्र है वो यही बता रही है। जैसे जैसे ये बच्चा हेल्दी हो जाएगा इसकी दुम जो है मोटी होती जाएगी और इसका साइज़ बड़ा होगा। यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है। एक जानवर तभी ब्रीड करता है जब उसको अच्छा खाना मिल रहा होता है, जब उसको अच्छी जगह मिल रही होती है। तो ये इस जगह का सबूत है, अगर यहाँ पे क्रोकोडाइल के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे मगरमच्छों को बहुत अच्छी तरीके से रखा जा रहा है। एक और चीज़, एक और ख़ास बात, इसकी ये जो आँखें हैं, इसकी आँखों के बारे में एक ख़ास बात है। इसकी आँखों में दो तरह की पलकें होती हैं, एक जैसे हमारी होती है, एक ऐसी ट्रांसपेरेंट चमड़ी है उसकी आँखों के ऊपर, वो उस वक्त आ जाती है जब ये पानी के अंदर जाता है। नॉर्मली पलकों का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो इस तरीके से बंद होती है, लेकिन वो स्किन इस तरीके से इसकी आंखों के सामने आती है। तो ये इनके पास एक खूबी है जिसकी वजह से ये गंदे से तालाब के अंदर भी रहकर बहुत अच्छी तरीके से शिकार कर पाते हैं। बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, उनकी जो दुम है वो स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके जो पिछले पंजे हैं ये बिल्कुल उसी तरह के होते हैं कमोबेश जैसे बत्तखों के पैर होते हैं, ताकि स्विमिंग अच्छी तरीके से कर सकें। और मैंने आपको जैसे बताया ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो इस वक्त ज़्यादातर बच्चे जो है पानी के बाहर हैं और धूप सेक रहे हैं, और ये अभी तो बहुत छोटे से हैं इसी वजह से थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे इसमें से स्टिल गुर्रा रहे हैं। और जब बच्चा छोटा होता है तो ये एक ऐसी आवाज़ निकालता है, जैसे मैं आगे कोशिश करूं अगर आवाज़ निकालने, वो आवाज़ कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की आवाज़ निकालता है। और इस आवाज़ को सुन के जो बड़े मगरमच्छ हैं वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि हम पे हमला कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना ऊपर से भी छत को पैक कर दिया गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो शिकारी परिंदे होते हैं ना, क्योंकि बच्चे हैं अभी तो बड़े नहीं हुए तो अपनी हिफाजत उस तरीके से कर नहीं सकते, तो नेचुरल हैबिटेट में तो इनकी माँ जो है वो इनकी हिफाजत करती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेंचुरी तो ज़्यादा हमें ख्याल रखना पड़ता है इनके स्टाफ को, तो उन्होंने छत को भी कवर कर दिया ताकि कोई और शिकारी परिंदे ना आए। तो उस बच्चे को हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वैसे तो ये बड़ा रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, लेकिन हम उसको वापस छोड़ देते हैं। यहाँ पे छोटा सा तालाब भी है इनके लिए, उसके अंदर हम इसको रिलीज़ कर देते हैं। ये गया भाई। बनाना प्राइम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंशाल्लाह नए एपिसोड में हम आपको ज़रूर मिलवाएंगे किसी नए जानवर से। जिमी जुनैद को दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।